नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक में बच्चों सहित करीब 40 से अधिक अफगान नागरिक की मौत हो गई है। अफगान शांति प्रहरी के संस्थापक हबीब खान के मुताबिक शुक्रवार रात को खोस्त और कुनार प्रांतों के अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तानी जहाजों ने हमला कर दिया था। इस घटना की ट्विटर पर निंदा करते हुए खान ने कहा कि पहली बार पाकिस्तानी एयरफोर्स के जहाजों ने तालिबान की अफगान धरती पर बमबारी की है, जिसमें 40 से ज्यादा लोग मारे गए। हालांकि पाकिस्तान अपने प्रॉक्सी बलों तालिबान और मुजाहिदीन की मदद से अफगानों की कई दशकों से मारता रहा है। इतना ही नहीं, खान ने इस घटना में मारे गए लोगों के शवों की एक तस्वीर भी शेयर की है। साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत यानी कि इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट में वे और एमनेस्टी इंटरनेशनल में अफगानिस्तान में पाकिस्तानी युद्ध अपराधों पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की है। शनिवार को खोस्त और कुनार प्रांतों के स्थानीय अधिकारियों ने यह पुष्टि की कि पाकिस्तानी जहाजों ने प्रांतों के अलग अलग जगहों पर हवाई हमले किए थे। तालिबान ने घटना के बाद पाकिस्तान के राजदूत मंसूर अहमद खान को तलब भी किया था। इससे पहले पाकिस्तान के खैबर पख्तून प्रांत में एक पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाकर आतंकी हमला किया गया था। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 7 जवान मारे गए थे। इसके एक अन्य हमले में पाक सेना का एक और जवान मारा गया था। इसी के जवाब में पाकिस्तानी वायुसेना ने तालिबान शासित अफगानिस्तान के कुनार, खोस, चौगाम और पेचा मेला पर बमबारी की थी। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक अफगान विदेश मामलों के कार्यवाहक मंत्री अमीर खान मुताकी और कार्यवाहक उप रक्षा मंत्री अलाज मुल्ला शरीन अखुन बैठक में मौजूद थे। उन्होंने पाकिस्तानी बलों की तरफ से किए गए हमलों की निंदा की। इस पर उन्होंने ट्वीट किया कि पाकिस्तानी राजदूत को काबुल में विदेश मंत्रालय में तलब किया गया। इस दौरान IEA के विदेश मंत्री मावलवी अमीर खान मुताकी के साथ उप रक्षा मंत्री अलाज मुल्ला शरीन अखुन भी मौजूद थे, जहाँ अफगान पक्ष ने इसकी कड़ी निंदा की थी। इस हमले की निंदा करते हुए तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के अनुसार तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिदीन ने कहा कि इससे इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि हम इस तरह के हमलों को रोकने के लिए सभी विकल्पों का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी संप्रभुता और का सम्मान करने की अपील करते हैं। यदि युद्ध शुरू हुआ तो यह किसी के हित में नहीं होगा। विश्लेषकों के मुताबिक यह हमला पाकिस्तान के सीधे हस्तक्षेप और अफगान राष्ट्रीय संप्रभुता के उल्लंघन का संकेत है। रिपोर्ट के अनुसार इस पर राजनीतिक विश्लेषक सादिक शिनवारी ने कहा, खोस और कुनार में ड्यूरंड रेखा के साथ पाकिस्तानी बलों द्वारा किए गए इन हवाई हमले और ग्राउंड ऑपरेशंस अफगानिस्तान हवाई क्षेत्र में एक स्पष्ट उल्लंघन और हस्तक्षेप का संकेत देता है।